माघी पूर्णिमा के दिन सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। वहीं बड़ी तादाद में शिव भक्तों ने भी आस्था की डुबकी लगाई और जल भरकर बाबा धाम देवघर के लिए रवाना हुए। गंगा स्नान के लिए झारखंड, उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शनिवार को माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालु गंगा में स्नान कर अजगैवीनाथ मंदिर के लिए भी गए और पूजा अर्चना की। तो अजगैवीनाथ के महंत प्रेमानंद गिरी से जानिए इस दिन का महत्व। माघी पूर्णिमा जो एक महीना लोग बाग जो है माघ स्नान करते हैं और उसके बाद जो माघी पूर्णिमा में हर बच्चा आकर के उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करके जाता है बाबा धाम। और जो है ये आपका बसंत पंचमी से लेके माघी पूर्णिमा तक बाबा का तिलक उत्सव का जो महत्व है, तो ये लोग जल लेकर के जाते हैं, अबीर लेके जाते हैं, होली भी खेलते हैं और अबीर भी बाबा पर चढ़ाते हैं और खुशी से जो है पूर्णिमा तक मैंने ये लोग जल चढ़ाते हैं। उसके बाद तो फिर होली का समय शिवरात्रि आ जाती है, तो उसको लेकर के। और दूसरा यह है कि इसका महात्म बहुत मांग महात्म नहाने से लोगों का पाप क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है और पुण्य का प्रताप मिलता है। तो इसलिए माघी पूर्णिमा से काफी लोग जो है बच्चे से लेकर के बूढ़े तक स्नान करते हैं माघी पूर्णिमा को, और उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करने से ज्यादा ही महत्व मिलता है। माघी पूर्णिमा से पाप का क्षय होता है, इसलिए लोग जो है माघी पूर्णिमा पर श्रद्धा से अनुसार गंगा में स्नान करते हैं। और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमारे बाबा जगन्नाथ में भी है और सामाजिक नगर परिषद का जो है सेवा वो भी उपलब्ध है और किसी प्रकार का कोई दिक्कत सुल्तानगंज में नहीं है और मंदिर पर भी ठीक है, चल रहा है। जो है लोकल भी रहता है, 100-150 किलोमीटर की दूरी का आदमी रहता है और सहरसा है, मधुबनी है, इस तरीके से गिरिडीह जिला है, तमाम क्षेत्रीय जो है 200 किलोमीटर की दूरी के लगभग जो है लोग स्नान करने आते हैं। बाकी और जगह गंगा है, तालाब है, नदियां हैं, लोग मांग नहाते ही है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।